भाई वही जो भय हरे और भाई वही जो अभय हरे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी की गुंडाई सामने आई है। दरअसल चुनावी कवरेज के दौरान विधायक के द्वारा सभा में मतदाताओं को लुभावने वादे किए जा रहे थे, जिसमें पायल कंबल शराब नकदी बांटने के साथ साथ विरोधी प्रत्याशी को हराने की बात कही जा रही थी, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। भाई वही जो भय हरे अब भाई वही जो अभय हरे, जिसे देखते ही भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने अपने गुर्गों को इशारा किया तो आधा दर्जन गुंडों ने विराट 24 के कैमरा वैन से HDB 785 पैनासोनिक का कीमती कैमरा छीन लिया। दरअसल चुनावी कवरेज के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने भाजपा प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस खबर को लेकर भाजपा प्रत्याशी का पक्ष लेने विराट 24 की टीम चौराटा थाना क्षेत्र के धौचट ग्राम पहुंची, जिनके कैमरे में भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के द्वारा मतदाताओं को लालच देने और धमकाने की बात कैद हुई थी, जिसे देखते ही विधायक बौखला गए और अपने गुर्गों को इशारा कर मारपीट करवाई। आपको बता दें कि पूरे मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी और चौराटा पुलिस से की गई है। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इसी तरह का भय दिखाकर भाजपा प्रत्याशी के द्वारा वोट मांगी जा रही है, विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं किस बात से भाजपा प्रत्याशी बौखलाए हैं। भाई वही जो भय हरे अब भाई वही जो अभय हरे। कहाँ का गुंडा है ये, कहाँ का आप पहचानते हैं? ये है विधायक के आदमी जो मारपीट करने के लिए तैयार है। हाल तो ये है कि अभी मोबाइल छीन रहे थे ये। हमसे बात करी, हम आई आई बताइए आई, आप देखे हैं ना किस तरह से लपटा लपटी कर रहे थे? देखा आपने किस तरह से विरोधी पार्टी के प्रत्याशी को हराने की बात कही जा रही है, और बहुत कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है जिसे छीन लिया गया है। विराट 24 के पत्रकार के साथ हुई घटना की शिकायत कर दी गई है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, कैमरा छीनने के बाद सहयोगी संदीप पांडे अपने मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिसे भी छीनकर मोबाइल बंद कराया गया और तोड़ने की धमकी दी गई। आपको यह भी बता दें, इसके पहले भी एक अन्य चैनल में भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने विराट 24 के चैनल हेड को चुनाव के बाद गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करने का बयान दिया जा चुका है, जिसकी शिकायत भी निर्वाचन अधिकारी से की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन गुंडई के दम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कई आप पर आरोप लगते हैं सुंदरी आदिवासी के साथ में, और कोई रामानंद कोई पत्रकार है उसकी गाड़ी वाड़ी में कुछ तोड़ थोड़ा सा। देखिए आप भी उन लोगों का स्तर जानते हैं, मैं उनके ऊपर मेरा डिफर्मेशन केस लगा है, 10,000 मुचलके पर जमानत पर है, जिनका नाम ले आप पत्रकार महोदय उनकी वाइफ जिनके नाम से वो चैनल है और वो मुचलके पर है, 3-3, 4-4 डिफर्मेशन केस उनके खिलाफ चल रहे हैं आने वाले। उनको तो ये चुनाव में मुझे रोकना था किसी भी सूरत, इसके बाद वो देखिएगा उनकी हालत क्या होगी। एक तरफ भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पत्रकारों को भोपाल बुलाकर सम्मानित करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी अपने पक्ष में खबर दिखाने का दबाव बनाते हैं और निष्पक्ष खबर दिखाने पर तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। सुनिए प्रत्यक्षदर्शी का क्या कहना है। अभी केपी त्रिपाठी का कार्यक्रम चल रहा था, कौन सा स्थान है ये? आपका ही गाँव है ये? हाँ, हमारा गाँव जमरैया धक्कर जिला है। तो आप लोग यहाँ कार्यक्रम में आए थे? जी, आपको देखे लपटते हुए, तो हम भी पत्रकार हैं भैया। क्या नाम है आपका? राजर गंज। किस तरह से पत्रकार हैं, क्या हाल है? आप देख रहे हैं कि खबर कवरेज करने जाओ तो लपटते हैं, इनके आदमी लपटते हैं, गुंडा ही खुद ही गुंडा है। बोला था कि अंदर चलो बैठ लेते हैं,
जी, वो खुद मुद्दा है अब कांग्रेस सरकार बने लपड़ने के लिए क्या है, मारते हैं लोग। अभी देखे भी है मेरे से लपड़ रहे हैं। आप से लपड़ते भैया से लपड़ रहे हैं। मोबाइल कैमरा छीन लिया था। बड़े मुश्किल में दिए आपको। मोबाइल दिया, कैमरा नहीं दिया, कैमरा छीन लिया। कैमरा ले गए। हाँ। आपको पैसा भी आइए अब आपको सुनाते हैं विराट 24 के चैनल हेड रामानंद पांडे को, जिनके साथ उक्त घटना घटित हुई है। दरअसल हम लोग खबर कवरेज करने गए थे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी। अभय मिश्रा जी की खबर कवरेज करने के बाद उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, वहां से लौट रहे थे। रास्ते में धौचट गांव पड़ता है जहां सड़क के किनारे सिमरिया भाजपा प्रत्याशी के पी त्रिपाठी की सभा चल रही थी। वहां हम लोग कवरेज करना शुरू किए, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उस समय विधायक के पी त्रिपाठी के द्वारा कहा जा रहा था कि पायल बांटे तो पायल लो, गद्दा बांटे गद्दा लो, कम्बल बांटे कम्बल लो, दारू बेचे दारू लो, सब कुछ लो और वोट देना है। साथ ही यह भी कह रहे थे कि जो भाई होता है तो भय नष्ट करता है और अभय को नष्ट करता है। तो वो सब चीज़ें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। जैसे उनके आदमियों ने देखा कि ये कैमरे में सब ये चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है, तो केपी त्रिपाठी ने इशारा कर दिया, तो उनके पीए आए और मेरा कैमरा छीन लिया, हमारे जो सहयोगी थे संदीप पांडे उनका मोबाइल छीन लिया और हम लोगों को पकड़ कर ज़बरदस्ती कमरे के अंदर ले जाना चाह रहे थे। आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बीच बचाव किया, हम लोग वहां से बचे। उसी की सब शिकायत सुराहटा थाना में करने आए थे कि हमारा 45,000 रुपये का कीमती कैमरा है और जो हमारे साथ मारपीट की गई है उसमें कार्यवाही की जाए। देखा और सुना आपने किस तरह से नेता जनता की वोट हासिल करने के लिए सच्चाई को दबाना चाहते और गलत प्रभाव डालकर अपने पक्ष में करना चाहते हैं। हद तो यह है कि पत्रकारों को कवरेज करने से भी रोका जा रहा है। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दे पाती तो आम जनता वोटर को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? कैसे निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। विराट 24 आपसे अपील करता है कि आप 17 नवंबर को अपने मत का उपयोग जरूर करें।